नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आसूस के लेटेस्ट फोन आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं Xiaomi की Redmi Note 5 Pro से, क्योंकि दोनों ही फोन्स में आपको ऑलमोस्ट सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाता है, तो ये स्पीड टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि आपको UI में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों ही फोन्स के, क्योंकि आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो आता है स्टॉक एंड्रॉइड UI पे, जबकि Redmi Note 5 Pro काम करता है MIUI पर। तो यहाँ पे देखना होगा कि स्पीड में और परफॉर्मेंस में कितना हमें डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों ही फोन्स में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। सबसे पहले बात करें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको बता दें दोनों ही फोन्स में आपको मिल रहा है सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ही फोन में यूज हुआ है स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट, जो कि काफी स्ट्रांग चिपसेट है, और इस चिपसेट का परफॉर्मेंस हम पहले वाले Redmi Note 5 Pro के वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं सेम चिपसेट को, क्योंकि इन दोनों ही फोन्स के UI में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। Asus ZenFone Max Pro में आपको देखने को मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड, जबकि Redmi Note 5 Pro में आपको देखने को मिलता है MIUI। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि कौन से फोन का परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि दोनों ही फोन हमारे पास अवेलेबल हैं 4GB RAM वेरिएंट के साथ में। हालांकि Asus ZenFone Max Pro में आपको 3GB, 4GB और 6GB का वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और Redmi Note 5 Pro में आपको देखने को मिलता है 4GB और 6GB वेरिएंट। लेकिन आज हमारे पास अवेलेबल है दोनों ही फोन के 4GB RAM वेरिएंट। तो चलिए करते हैं स्पीड टेस्ट और देखते हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं पहले दोनों ही फोन को बूट करके। तो यहाँ पे आपने देखा स्टॉक एंड्रॉइड काफी लाइट UI होने की वजह से पहले स्टार्ट हुआ, मींस इस राउंड का विनर होता है Asus ZenFone Max Pro। चलिए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। यहाँ पे हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट। तो स्पीड टेस्ट में हम करेंगे दो राउंड। पहले राउंड में हम करते हैं दोनों ही फोन में सेम टाइम पे एप्लीकेशन ओपन। तो चलिए करते हैं इस राउंड को स्टार्ट। फर्स्ट राउंड में आपने देखा आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला दोनों ही फोन्स के स्पीड में। हालांकि Asus ZenFone Max Pro फास्ट था, लेकिन वहां पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, कुछ मिली सेकंड्स का ही डिफरेंस था इन दोनों ही फोन की स्पीड में। चलिए अब चलते हैं सेकंड राउंड की तरफ और वहां देखते हैं कि क्या आपको इतना ही डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर कुछ अलग और हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं सेकंड राउंड को स्टार्ट।
तो ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन इन दोनों फोन्स के बीच में। काफी इंटरेस्टिंग स्पीड टेस्ट रहा क्योंकि दोनों ही फोन्स का स्पीड आपको ऑलमोस्ट सेम सही देखने को मिला। फर्स्ट राउंड में भी हमने देखा ऑलमोस्ट सेम ही स्पीड हमको देखने को मिला। हालांकि विनर वहां पे भी था Asus का Zenfone Max Pro, क्योंकि ऑलमोस्ट एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई थी Zenfone Max Pro में। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, और बात करें सेकंड राउंड की तो वहां पे भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी विनर रहता है Zenfone Max Pro, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है और चिपसेट आपको दोनों ही फोन में सेम देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपकी काफी सारी कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी और आप अपना डिसीजन बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है कोई सवाल या सुझाव, या फिर आप चाहते हैं कोई और पर्टिकुलर रिव्यू इन दोनों फोन्स का, या फिर Asus Zenfone Max Pro का, तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे कैसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।